नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS Academy पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम मैं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। MTG जो NCERT फिंगर टिप्स बुक आती है उनसे हमने इन क्वेश्चंस को लिए हैं। हमने 50 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियोज में देख लिए थे। अब उससे अगला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 51 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर लेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन है 51, उसमें आप देखेंगे कि केंद्र पर विभव क्या होगा, केंद्र पर पोटेंशियल क्या होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप देखें कि जो केंद्र पर जो विभव है, केंद्र पर जो विभव है वो क्या होगा। इस बिंदु के ऊपर हमें विभव पूछा है, इस पॉइंट के ऊपर हमें गुरुत्व विभव पूछा है, जबकि इनके कोनों के ऊपर स्मॉल एम द्रव्यमान के चार कण रखे हुए हैं। किसी बिंदु द्रव्यमान के कारण से, एक जो बिंदु द्रव्यमान है उसकी वजह से जो विभव होता है वो हमने पढ़ा है माइनस में कैपिटल जी स्मॉल एम बट्टे में दूरी। तो दूरी आर है तो आर यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर कुल विभव, जो कुल विभव है वो हमारे पास में V 4 इंटू वी डेस, V बराबर 4, और यहाँ पर वी डेस का जो मान है माइनस में कैपिटल जी एम, एल का जो मान है वो है एल बट्टे में अंडरूट 2। तो यहाँ से ये अंडरूट 2 है वो बट्टे से ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में 4 अंडरूट 2 कैपिटल जी स्मॉल एम बट्टे में एल, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप आंसर देखिए, ऑप्शन डी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है जब किसी स्मॉल एम द्रव्यमान वाले पिंड को धरती की सतह से NRE ऊंचाई पर ले जाया जाता है। देखिए, किसी स्मॉल एम द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाने पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हमने ये पढ़ा है। और यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो NRE है, देन यहाँ पर क्या मिल जाएगा mg। h की जो वैल्यू है वो है NRE अपॉन 1 प्लस h की जो वैल्यू है वो है NRE अपॉन में RE। यहाँ से RE से RE कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा U बराबर हमें मिल जाएगा MgRe n बट्टे में n+1। यहां से आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान हमें दे रखा है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10^22 हमें दे रखा है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमें दे रखी है −7.79 × 10^28 जूल। पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य की माध्य दूरी क्या होगी। तो देखिए, ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, और ये चंद्रमा है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इनके मध्य की जो स्थितिज ऊर्जा है माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में आर, इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में यू। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जी का जो मान होता है वो कितना होता है 6.67 × 10^-11 कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ होता है तो 6 × 10^24 स्मॉल एम, 7.4 × 10^22 अपॉन यू। यू हमारे पास माइनस में 7.79 × 10^28, तो माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, स्मॉल आर बराबर कितना आएगा 6.67 × 6 × 7.4 अपॉन 7.79 × अब यहां पर 10 की घाते देखिए, −11 प्लस में 24 प्लस में 22 और माइनस में 28, तो माइनस की घातें हो गई 39 और प्लस की जो घातें हैं वो हो गई है 46। तो ये 10 की घात प्लस में 7 रह जाएगा, यहाँ से कितना आ गया गुणा 10 की घात प्लस में 7। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे,
कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में इस स्मॉल आर का मान प्राप्त हो जाएगा 3.8 इंटू 10 पावर 8 मीटर। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी से किसी पिंड का प्लायन चाल किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, प्लायन चाल है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। प्लायन चाल जिस वह स्थिति जहां से इसे प्रक्षेपित किया जाता है इस पर निर्भर करता है। फिर है कि प्रक्षेपण की दिशा, कि कौन सी दिशा में आप फेंक रहे हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता। किसी भी दिशा में फेंक दीजिए, प्लेन वेग से आपको फेंकना है। स्थिति की ऊंचाई जहां से पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन दो और ऑप्शन चार यहां पर सही होने वाले हैं, ऑप्शन बी यहां सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह से प्लायन चाल है जहां आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है, तो अंडरूड में 2 RE हमें मिल जाएगा, अंडरूड में 2 RE प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 ग्राम पिंड का पृथ्वी से पृथ्वी पर उसका जो प्लायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो लोहे की गेंद का पृथ्वी से प्लायन वेग सेम वही होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समान त्रिज्या कैपिटल आर के दो एक समान ठोस गोले, लेकिन जिनके द्रव्यमान स्मॉल एम और 4 m है, का केंद्र से एक दूसरे से जो पृथक्करण है, एक दूसरे के केंद्रों की जो डिस्टेंस है वो 6 r है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हमारे पास में स्मॉल आर द्रव्यमान के दो पार्टिकल, त्रिज्या वाले दो पार्टिकल है जिनका द्रव्यमान स्मॉल एम और 4 m है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 r है। अब स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी प्रक्षेप को स्मॉल एम द्रव्यमान के गोले की तरफ, अब देखिए वैसे एक्चुअल में इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में ये तो है 4 M, ये हमारे पास में है कैपिटल एम, ये है स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी प्रक्षेप को, ये कैपिटल एम द्रव्यमान के गोले की सतह से सीधे दूसरे गोले की सतह की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तो यहां से किसी स्मॉल एम द्रव्यमान के कण को यहां से सीधा यहां फेंका जा रहा है, तो न्यूनतम चाल क्या होगी, न्यूनतम चाल क्या होगी जिससे वह दूसरे गोले की सतह पर चला जाए। न्यूनतम चाल हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इसे एक बार समझ लीजिए कि हम यहां पर कंसिडर कर लें कि यहां से किसी पिंड को हम फेंकेंगे और वो एक ऐसी चाल देंगे कि जिसके पश्चात वो चाल से इस बिंदु पर पहुंच जाएगा, क्योंकि देखिए ये इसको आकर्षित कर रहा है, स्मॉल एम कैपिटल एम इसको आकर्षित कर रहा है और ये भी इसको आकर्षित कर रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके ऊपर गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, फिर ये इसको आकर्षित करता हुआ इधर चला जाएगा। तो हमें न्यूनतम वेग इसको कितना दिया जा सकता है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हमें ये ज्ञात करना है कि एक ऐसा बिंदु जहां पर एक उदासीन बिंदु ज्ञात करना है जहां पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए। तो मैं यहां पर इस बिंदु P को उदासीन बिंदु कंसिडर कर लेता हूं कि इस बिंदु के ऊपर यहां से ये जो डिस्टेंस है इसके केंद्र से डिस्टेंस ले लेता हूं, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है जहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो 6 r - स्मॉल r, ये वाली डिस्टेंस यहां पर शेष रह जाएगी। तो देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो इसके लिए कैपिटल एम और बिंदु पी पर, कैपिटल एम और बिंदु पी पर स्मॉल एम के लिए जो बल लगेगा, देखो यहां पर मौजूद कण पर लगने वाला बल 0 होना चाहिए या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होनी चाहिए। तो बल 0 हो इसके लिए हम यहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में लगने वाला बल कैपिटल एम इस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में r² ये बराबर होगा कैपिटल जी कैपिटल एम, बल्कि 4 m है स्मॉल एम बट्टे में 6 r - स्मॉल r का होल स्क्वायर। देन यहां से हमें मिल गया है 1/r² बट्टे में 4/6 r - स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो 1/r = 2/6
सिक्स आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 6r माइनस स्मॉल r बराबर 2r, और 3r बराबर आ गया है 6r, और स्मॉल r बराबर आ गया है 2r। तो इसकी जो डिस्टेंस है, ये 2r दूरी के ऊपर रखे कण पर लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई है, इस बिंदु P पर P की जो डिस्टेंस है वो 2r है। कितनी है, 2r। अब मैं यहां से ये जो बिंदु P डेस है, यहां से स्मॉल m द्रव्यमान के कण को फेंकूंगा, तो इस P डेस और P के ऊपर इनकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से P पर ऊर्जा कितनी होगी, हम v वेग से फेंक रहे हैं स्मॉल m द्रव्यमान के कण को, तो हाफ एम वी स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में कैपिटल आर, स्मॉल एम और 4m के बीच में, तो कैपिटल जी 4m स्मॉल एम बट्टे में। अब डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 5r रह जाएगी, तो बट्टे में 5r। जितनी ऊर्जा पी डेस पर है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से, पी पर भी उतनी ऊर्जा रहेगी। पी पर तो वेग तो जीरो हो जाएगा, केवल स्थितिज ऊर्जा रहेगी। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में डिस्टेंस रह जाएगी 2r, फिर माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम 4m स्मॉल एम बट्टे में डिस्टेंस यहां से यहां तक की रह गई है 4r, तो बट्टे में आ गया 4r। अब यहां से हमें इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन करके यदि आप v का मान यहां पर ज्ञात करेंगे तो हमें 3/5 जी बाई एम की घात 1/2 प्राप्त हो जाएगी। 5/3/5 ये वाली प्राप्त होगी। देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम तो कट ही जाएगा, सब में से स्मॉल एम कट जाएगा, और इन बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाकर जी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, जो भी बचेगा वो यही ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमें दे रखा है वो देखिए क्या है, कि पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किसी पिंड को इस चाल की 3 गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है, तो इस पिंड की उस समय चाल क्या होगी जब यह पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव से प्लायन करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझें कि ये हमारी पृथ्वी है और इसकी सतह से हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं। देखिए फेंकने वाला जो वेग है उसको मैं u मान लेता हूँ, और कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो खिंचाव है वो जीरो हो जाता है, और वेग मैं कंसिडर कर लेता हूँ v हो जाता है। हमने इसको u वेग से फेंका, थोड़ी देर पश्चात इसका वेग कितना हो गया, v हो गया है। थोड़ी देर पश्चात वेग v हो गया इस बिंदु P पर, और इस बिंदु P पर जो खिंचाव है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय खिंचाव से प्लायन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाएगा। और ये जो पृथ्वी है इसकी रेडियस है आर। देन यहां पर इसकी पृष्ठ के ऊपर बिंदु पी डेस और बिंदु पी पर जो ऊर्जाएं हैं वो सेम रहेगी। तो पी डेस पर जो ऊर्जा है वो तो कितनी है, 1/2 m u² ये तो गतिज ऊर्जा, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में आर ये स्थितिज ऊर्जा, फिर बराबर बिंदु पी पर स्थितिज ऊर्जा तो जीरो हो जाएगी और सिर्फ क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी, तो 1/2 m v² इस v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m तो सब में से कट जाएगा, स्मॉल m कट गया तो v² बराबर क्या आ गया, u² माइनस में 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर। तो v बराबर कितना आ जाएगा, अंडरूट में u² माइनस में 2, देख 2gm/r, ये जो वैल्यू है वो ve के बराबर होती है, जिसे हम प्लाइन वेग भी कहते हैं। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं प्लाइन वेग ve, तो ये है ve का स्क्वायर, ये आ गया। तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, u का जो मान है वो हमारे पास में कितना है, u का जो मान है वो हमारे पास में 3ve का स्क्वायर माइनस ve का स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया 8
अनरूड में 8 VE, और अनरूड में 8 × 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आ गया हमारे पास में। तो यहाँ से इसको हम 11.22.4 अनरूड 3, ये भी नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं 2 अनरूड 2, तो ये आ गया 22.4 अनरूड 2, ये आ गया हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि पृथ्वी की सतह के निकट कक्षा के लिए किसी उपग्रह का प्लाइन वेग VE हो तथा कक्षीय वेग VO हो तो ये संबंधित है। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि जो VE है वो अनरूड में 2gr, और VO है वो अनरूड में पृथ्वी के पृष्ठ के नजदीक ये होता है। तो VE बराबर हम पुट कर सकते हैं अनरूड में 2 VO, ये रिलेशन देख लीजिए। तो VE बराबर अनरूड 2 VO, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन उपग्रहों के बारे में सही है। इनमें से सही स्टेटमेंट छांटना है कि उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल में स्थायी कक्षा में स्थापित कक्षा में नहीं घूम सकता, गुजरने वाले तल में स्थायी कक्षा में नहीं घूम सकता बल्कि घूम सकता है। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, हमें सही स्टेटमेंट यहाँ पर देखना है। तुल्यकालीय उपग्रह विषुवत रेखीय तल में प्रक्षेपित होते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तुल्यकालीय जो उपग्रह होते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि संपूर्ण भूमंडल के चारों ओर भू संचार के लिए हमें केवल एक तुल्यकालीय उपग्रह की आवश्यकता नहीं, हमें एक से अधिक उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए, उपग्रह की चाल इसकी कक्षा की त्रिज्या बढ़ने के साथ में बढ़ती है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो उपग्रह की चाल का जो फॉर्मूला होता है कक्षीय वेग का, VO बराबर अनरूड में कैपिटल GM/R होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू जब बढ़ेगी तो VO का मान घटेगा न कि बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है, बाकी सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि त्रिज्या कैपिटल आर की एक वर्तीय कक्षा में पृथ्वी के एक उपग्रह का आवर्तकाल 2 दिन व कक्षीय वेग वी है, यदि एक दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल एक वर्तीय कक्षा में 16 दिन है तब। देखिए, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि त्रिज्या कैपिटल आर और वर्तीय कक्षा में पृथ्वी के एक उपग्रह का आवर्तकाल कितना है, 2 दिन है, और कक्षीय वेग उसका है v। यदि एक दूसरे उपग्रह का आवर्तकाल एक वर्तीय कक्षा में 16 दिन है तो उसकी त्रिज्या में क्या रिलेशन होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम केपलर के नियम से क्या जानते हैं विद्यार्थियों, कि जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल वो त्रिज्या के घनमूल के बराबर होता है। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा R2/R1^3/2, तो हमें यहाँ पर निकालना है R2, तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, तो T2/T1^3 एक तरीके से आ गई है 2/3, बराबर आ गया है R2, और इधर R1 गुणा में आ गया, तो R2 बराबर, अब यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, R1 का मान है R, T2 यह है 16, T1 ये हमारे पास में है 2, और इसकी घात है 3/2, तो यहाँ से R 8^3 आ गई, 3/2, सॉरी 2/3 है ये, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हमने यहाँ पर, तो 2/3, तो 2/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका घनमूल फाइंड आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4 आ रहेगा। R2 कितना आएगा, तो इसके कक्षा की त्रिज्या 4R, और कक्षीय वेग भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ से कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला है, VO बराबर होता है अनरूड में कैपिटल जी कैपिटल M/R, स्मॉल R होता है, तो स्मॉल R
यहाँ पर क्या हो जाएगा, कक्ष वेग कक्ष वेग यहाँ पर ये नया जो कक्ष वेग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर डेस पुट कर दूँ तो वी ओ डेस बराबर आ गया वी ओ बट्टे में, इसका 4 आर पुट करेंगे तो 2 रह जाएगा, तो वी ओ बट्टे में 2, तो ऑप्शन बी ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मंगल ग्रह इसका द्रव्यमान है एम एम के उपग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल टी है, इसके कक्षीय त्रिज्या कैपिटल आर है, इस प्रकार से संबंधित होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं वो केपलर के नियम से भी हमें प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे में परिक्रमण काल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कैपिटल टी बराबर 2 पाई आर बट्टे में कक्षीय वेग, जो कि अंडरूट में कैपिटल जी कैपिटल एम एम बट्टे में आर। देन यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडरूट में आर की घात 3 बट्टे में कैपिटल जी एम एम, या स्क्वायर कर दीजिए तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बट्टे में कैपिटल जी एम एम। तो यहाँ से ऑप्शन देखें गौर करके, ऑप्शन मुझे ए नजर आ रहा है, सही ए ही नजर आ रहा है, तो 62 का जो सॉल्यूशन है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समकालिक का मतलब है तुल्यकालिक उपग्रह, ओके। तो एक समकालिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के रूप में समकालिक उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या है। तो देखिए जो हमारे पास में रिलेशन है आवर्तकाल का, उसी रिलेशन से ही हमने लास्ट जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बट्टे में कैपिटल जी कैपिटल एम। यहीं से हम क्या याद कर लेंगे, उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या, तो कैपिटल आर यहाँ से ज्ञात करना होगा। तो ये यहाँ पर कैपिटल आर, एक्चुअल में कैपिटल आर ही ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए फॉर्म यहाँ से आर बराबर हम क्या लिख देंगे, आर क्यूब बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में 4 पाई स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से आर बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम टी स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर की घात है 1/3, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे देन हमें आंसर मिलेगा। तब हमें क्या मिलने वाला है, आंसर मिलेगा। तो यहाँ से विद्यार्थियों जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 42.1 × 10^6 मीटर हमें प्राप्त होता है। वैसे मैं अब आपको बता दूं कि तुल्यकालिक उपग्रह की कक्षा की जो त्रिज्या है, कक्षा की जो त्रिज्या है वो लगभग 42,000 किलोमीटर होती है, और ये जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या की तुलना में 6.6 गुणा होती है, ओके। तो जब आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 6 पॉइंट, क्योंकि ये 6.37 का आप भाग लगाएंगे तो यही आने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान करें वर्तीय कक्षा में उपग्रह के लिए। तो यहाँ पर देखिए वर्तीय कक्षा में गति कर रहे किसी उपग्रह की जो गतिज ऊर्जा है वो हाफ गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ एम वी का जो मान है वो कैपिटल एम कैपिटल जी बट्टे में आर। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन 1/2 यही आएगा। तो पहले का रिलेशन आ गया ये, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में स्मॉल आर, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, कुल ऊर्जा ये हो जाएगी और कक्षीय वेग ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक उपग्रह त्रिज्या आर की वर्तीय कक्षा में पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा आर के रूप में परिवर्तित होती है, गतिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, देखिए
गति ऊर्जा का फॉर्मूला आपके पास में है, 1/2 m v u² देन यहाँ से क्या जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2 r, तो ये के है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है। फिर हम बात करते हैं कोणीय संवेग की, तो जो कोणीय संवेग है L बराबर होता है एम वी आर, और V का जो मान है वो कैपिटल G कैपिटल M बट्टे में स्मॉल R के रूट के इक्वल होता है, देन यहाँ से M अंडर रूट में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल R आ जाएगा, तो L है वो अंडर रूट में R के समानुपाती होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। रेखीय संवेग P बराबर एम वी होता है, और यहाँ से V का जो मान है वो ये होगा, तो ये जो P है वो R के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यही हमारे पास में ऑप्शन रहेगा, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन वैसे सही होगा। और वैसे प्रक्रमण जो आवर्ती है T हम जानते ही हैं, तो T वाले फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। देन हमारे पास में देखिए प्रक्रमण आवर्ती न्यू बराबर 1/T बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 पाई, फिर अंडरूड में हमारे पास में आ जाएगा R³, ये आ जाएगा, तो यहाँ से जो न्यू है वो R³³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन डी यहाँ सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चित्र वर्ती गति में किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या स्मॉल r के साथ ऊर्जा e के परिवर्तन को दर्शाता है, सही कथन को चुनिए। देखिए ये जो ग्राफ है इसको और थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये जो a का जो ग्राफ है और c का ग्राफ है वो दोनों एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं, ये ऐसे ही है, दोनों सेम है, एक का मान प्लस में है तो दूसरे का मान माइनस में, ये गतिज ऊर्जा को बताता है और ये कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, बी वाला जो ग्राफ है वो स्थिति ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, ये कुल ऊर्जा है, यहाँ पर टोटल एनर्जी है जो सी वाला ग्राफ है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखें सी ए व बी क्रमशः ए क्या बताता है स्थिति ऊर्जा को, गलत है, ए गति ऊर्जा को बताता है, ए गति ऊर्जा और बी यहाँ पर स्थिति ऊर्जा और सी कुल ऊर्जा, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, तो 66 में ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी सेम ही लग रहा है, क्या कोई इनमें डिफरेंस है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से सेम ही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, चले वापस यहां पर लौटते हैं इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन का क्रम चेंज हो गया है, पृथ्वी के दो उपग्रह S1 एवं S2 समान कक्षा में घूम रहे हैं, S1 का द्रव्यमान S2 के द्रव्यमान से 4 गुना है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कक्षाएं की जो त्रिज्याएं हैं वो समान है, द्रव्यमान एक दूसरे से डिफरेंट है, S1 का S2 के द्रव्यमान से 4 गुना है, S1 का जो द्रव्यमान है वो 4 m है, S1 का द्रव्यमान कितना है 4 m, S2 का द्रव्यमान कितना है m, तो दोनों प्रकरणों में पृथ्वी एवं उपग्रह की स्थिति ऊर्जाएं समान है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों स्थितियों में गतिज ऊर्जाएं समान नहीं हो सकती, गतिज ऊर्जाएं समान नहीं हो सकती, ओके सॉरी स्थिति ऊर्जाएं पूछिए, तो स्थिति ऊर्जाएं समान नहीं हो सकती, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है स्थिति ऊर्जा का, माइनस में कैपिटल जी एक का द्रव्यमान कैपिटल एम 4 m बाई आर, क्योंकि कक्षा की जो त्रिज्या सेम है, एक में 4 m आएगा तो एक में स्मॉल m आएगा,
तो गतिज ऊर्जाएं क्या हो, इनकी स्थितिज ऊर्जाएं क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसी प्रकार से इसमें गतिज ऊर्जाएं दे रखी है तो गतिज ऊर्जाएं क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कक्षीय वेग है वो ये होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में स्मॉल आर का रूट, तो आर पर डिपेंड करता है, एम पर करता है। यहाँ पर द्रव्यमान पिंड के या उपग्रह के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती, तो रेखीय संवेग है वो संरक्षित नहीं रहता, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी, द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, एक कक्षा में कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है, तो रेखीय संवेग यहाँ पर संरक्षित नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक धूम केतु, एक एक धूम केतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवर्ती कक्षा में परिक्रमा करता है, निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी, पूरी कक्षा में इनमें से कौन सी राशि है वो कांस्टेंट रहेगी, ये हमें पूछा है। तो देखिए रेखीय चाल है वो एक समान नहीं रहेगी, रेखीय चाल परिवर्तित होती है, रेखीय चाल क्या रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। देखिए एक तो हमने कह दिया कक्षा यदि चेंज नहीं होती तो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। ओके, और एक कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, तो ये दो राशियां संरक्षित रहेगी, और बाकी की जो राशियां हैं वो किस तरीके से होती है, रेखीय चाल वी जिसको हम अंडरूट में कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में स्मॉल आर, तो यहाँ पर तो आर का मान बदल रहा है, आर का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो रेखीय चाल संरक्षित नहीं रह सकती। कोणीय चाल ओमेगा, वी बराबर होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, कोणीय चाल भी संरक्षित नहीं रहेगी। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में दो आर, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ओके, ये माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटन स्मॉल आर, ये भी वेरिएबल है, केवल कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा ही संरक्षित रहेगी, तो 3 और 6 ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के प्रीतः है 2RE त्रिज्या की वर्ती कक्षा में है, इसे 4RE त्रिज्या की वर्ती कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, 2RE त्रिज्या वाली कक्षा में उपग्रह चक्कर लगा रहा है और 4RE कक्षा वाली पथ में आपको इस उपग्रह को भेजना है, तो यहां से यहाँ पर आप ध्यान दें हमारे पास में एक इस तरीके से कक्षा है। चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से, ये हमारे पास में एक 2RE त्रिज्या वाली कक्षा है, एक ये है 4RE वाली, इसकी जो रेडियस है वो 2RE, इसकी जो रेडियस है वो है 4RE, ये 2RE ये है, इसके चक्कर लगा रहा है पिंड, तो ये है पृथ्वी और ये है 4RE, तो यहां से हमें यहां भेजना है, इस वाली कक्षा में भेजना है, P से P डेस पर भेजना है, तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो P पर ऊर्जा, फिर हम P डेस पर ऊर्जा, फिर जितनी ऊर्जा का डिफरेंस आएगा उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो P पर जो ऊर्जा है कुल ऊर्जा उसको हम लिख दें कैपिटल माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में कक्षा, मतलब इस 2R आता है, 2R तो यहाँ पर 4RE हो जाएगा, फिर पीडेस पर जो ऊर्जा है वो ईडेस बराबर माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 8RE आ जाएगा। अब है ऊर्जा में परिवर्तन, तो अंतिम वाली ऊर्जा में से प्रारंभिक वाली ऊर्जा घटा देंगे, देन क्या आ जाएगा,
दोनों में से जो राशियां कॉमन आ रही है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 4 RE कॉमन आ गया। तो यहाँ पर पहले पद में से तो रह गया हमारे पास में प्लस, ले लेता हूँ तो माइनस में 1/2, और फिर यहाँ पर रह गया माइनस प्लस में 1। तो प्लस में ऊर्जा स्थानांतरित करनी पड़ेगी, डेल्टा ई बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 8, क्योंकि 1/2 निकलेगा यहाँ से प्लस का, तो 8 RE ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में क्या है, देखिए कि पर्सन 70 में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए यहाँ से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, वैसे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हम आपको बता दें कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा की दुगुनी होती है। कुल ऊर्जा को 2 टाइम्स करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो कुल ऊर्जा में परिवर्तन का दुगुना होगा। तो यहाँ से कुल ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है वो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 8 RE हुआ है, तो ये आ जाएगा 4 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 4 RE, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी स्मॉल एम द्रव्यमान के ग्रह के चारों ओर स्मॉल एम द्रव्यमान वाले किसी उपग्रह को, देखो ये यहाँ पर हम ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है, ओके, किसी उपग्रह को कैपिटल R1 त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा से R2 त्रिज्या वाली अन्य कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। कितनी गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी वो हमें बतानी है। तो विद्यार्थियों जितनी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, चाहे तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लीजिए, अतिरिक्त दोनों स्थितियों में जो गति कुल ऊर्जा में परिवर्तन फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं R1 जब त्रिज्या रहती है तब कुल ऊर्जा तो उसको मैं लिख दूं E1, तो क्या है कुल ऊर्जा, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2 R1, और R2 की त्रिज्या वाले तो E2 बराबर माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2 R2। अब ऊर्जा में परिवर्तन E2 माइनस E1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से E2, तो माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2 R2 माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2 R1। तो कुल ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2, यहाँ से हमारे को मिल जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/R1 माइनस में 1/R2। तो ये कुल ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उतना ही हमारे को गतिज ऊर्जा अतिरिक्त देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्मॉल एम द्रव्यमान वाला एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के ऊपर h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, तो h ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2 और R+H, ठीक है। अब इसको हम भेज रहे हैं अनंत पर, और अनंत पर भेज रहे हैं तो देखिए अनंत पर इसको भेजेंगे, ये उपग्रह की कुल ऊर्जा आ गई है और उसको गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए उसकी बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बंधन ऊर्जा कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के इक्वल होगी, तो ये होगी कुल ऊर्जा।
और ये होगी कुल ऊर्जा, ये होगी बंधन ऊर्जा, तो इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट में 2R+H, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर किसी कक्षा में घूम रहे उपग्रह के लिए इसकी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा का अनुपात है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा तो होती है माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में आर, और गतिज ऊर्जा होती है माइनस में सॉरी प्लस में कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टे में 2R। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस में 2। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि पृथ्वी के चारों ओर वर्तीय कक्षा में घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा E0 है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है कुल ऊर्जा बट्टे में 2, तो E0 बट्टे में कुल ऊर्जा का दुगुनी होती है। कुल ऊर्जा की क्या होती है? दुगुनी। तो कुल ऊर्जा की दुगुनी 2E0 आएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ क्वेश्चंस शेष रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।